हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है तत्वों के वर्गीकरण में प्रारंभिक प्रयास, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं और इन सभी तत्वों के गुणधर्मों का अलग अलग अध्ययन करना बहुत कठिन है, इसलिए सभी तत्वों को कुछ समूहों में इस तरह विभाजित किया गया है ताकि एक ही समूह के तत्वों में समान गुणधर्म हो। अब हम समय समय पर तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों का वर्णन करेंगे। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना तथा उन समूहों को त्रिक ट्रायड कहा। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए लिथियम Li, सोडियम Na एवं पोटेशियम K वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23 तथा 39 हैं। लिथियम तथा पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत लगभग सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। यहां दिखाए समूहों में से आप पाएंगे कि समूह बी और समूह सी डोबेराइनर के त्रिक डोबेराइनर्स ट्रायड्स हैं। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की पद्धति सफल नहीं रही। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इस अष्टक का सिद्धांत लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में अधिक समानता है। अब हम न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की कमियों पर चर्चा करेंगे। एक, ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। दो, न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तीन, अपनी सारणी में इन तत्वों को समर्जित करने के लिए न्यूलैंड्स ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। कोबाल्ट तथा निकल एक साथ में हैं तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन है, यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न हैं। आयरन को कोबाल्ट एवं निकल से दूर रखा गया है जबकि उनके गुणधर्मों में समानता होती है। चार, नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। पांच, इस प्रकार
न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम देख सकते हैं कि डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। जैसे न्यूलैंड्स के अष्टक के दूसरे स्तंभ में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, जो डोबेराइनर के त्रिक भी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने तत्वों के वर्गीकरण में प्रारंभिक प्रयास अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे।